बिहार हो या देश, समय समय पर ब्राह्मणों के खिलाफ नेता बयानबाजी करते रहे हैं। इसे लेकर खूब सियासी हलचल भी मचती रही है, हंगामे भी खूब हुए हैं, बयान पर पलटवार भी किए गए हैं, परिवाद तक दर्ज करा दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी वही ढाक के तीन पात हो जाता है। नेता भी भूल जाते हैं, विरोध करने वाले भी भूल जाते हैं, और पब्लिक तो भूलने में पहले से ही माहिर है। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में देश के उन 5 बड़े नेताओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ बयानबाजी की है। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। ये जनवरी 2023 का वाकया है। दरअसल जब किसी चीज पर विवाद शुरू होता है तो हर जगह से इसी तरीके के मामले सामने आने लगते हैं। बिहार में जब जनवरी में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का ब्राह्मण के विरोध में बयान आया था तो उसी समय यूपी में इसे लेकर विवादित बयान दिया गया था। तब सपा के वरीय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये ब्राह्मण विरोधी बयान दिया था। उन्होंने कहा था, मैं पढ़ता और सुनता था कि साधु कभी गुस्सा नहीं होते, और होते हैं तो श्राप देते हैं, लेकिन आजकल के बाबाओं और साधुओं को अपने जप तप पर भरोसा नहीं है, इसीलिए अब वे आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बागेश्वर बाबा को भी चुनौती दी थी कि वे इतने ही चमत्कारी हैं तो चीन को भस्म क्यों नहीं कर देते। इस पर जब बवाल हुआ तो उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग मेरी टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं वो पंडित पुजारी लोग हैं, उन्हें डर है कि अगर मंदिरों में पूजा नहीं होगी तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं 4वें नंबर की। बात होगी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी की। ये फरवरी 2023 का वाक्या है। दरअसल उन्होंने प्रहलाद जोशी पर बरसते हुए कहा था कि जोशी ब्राह्मण संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। उस ब्राह्मण संप्रदाय का मराठा पेशवा से ताल्लुक है। मराठा पेशवा ने ही आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ को कथित तौर पर नष्ट कर दिया था। तब उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और उन्होंने सभी ब्राह्मणों को दोषी नहीं ठहराया था। अब बात करते हैं 3वें नंबर की। इस नंबर पर हम पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बात करेंगे। जीतन राम मांझी विवादित बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। दिसंबर 2021 का वाकया है, जब उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर भला बुरा कहा था। वीडियो में ये भी कहा था कि सत्यनारायण भगवान की पूजा में पंडित जी खाने के बदले नगद मांग लेते हैं। उन्होंने वीडियो में तब कई आपत्तिजनक बातें कही थी। इसे लेकर पटना में खूब बवाल हुआ था। ब्राह्मण संगठन के लोग उनके घर पर भोज खाने पहुंच गए थे। इतना ही नहीं, मांझी के खिलाफ कई राज्यों में मामले भी दर्ज कराए गए थे, फतवा तक जारी हो गया था। बाद में उन्होंने कहा कि हमने ऐसा नहीं बोला है, मैंने ब्राह्मणों के लिए कोई अपशब्द नहीं कहा, ब्राह्मणों की आस्था को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। अब बात करते हैं 2वें नंबर की। ये वाक्या फरवरी 2023 का है और RSS प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक मोहन भागवत की ओर से पंडितों के खिलाफ जाति को लेकर विवादित बयान दिया गया था। इसके बाद तो पूरे देश में सियासी तूफान आ गया था। दरअसल मोहन भागवत ने कहा था कि जाति, वर्ण और संप्रदाय पंडितों के द्वारा बनाए गए थे, पहले देश में जाति प्रथा नहीं थी। उन्होंने महाराष्ट्र में ये बयान दिया था। इस कार्यक्रम के 2 दिन बाद ही बिहार के भागलपुर में उनका दौरा था। तब वहां उन्होंने कहा कि हमने पंडित शब्द का इस्तेमाल ज्ञानियों के लिए किया था, न कि किसी जाति धर्म के लिए। पंडित शब्द का मतलब विद्वान या ज्ञानी होता है। तब जाकर मामला शांत हुआ। अब बात करते हैं 1वें नंबर की। ये वाक्य भी इसी साल का है। हालांकि इस नंबर पर जिनका नाम है वो भले ही नेता नहीं है, लेकिन काफी पॉपुलर है। उनका नाम है लकी अली। ये एक मशहूर सिंगर है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ब्राह्मण शब्द अब्राहम या इब्राहिम से लिया गया है, जिसे सभी देशों का पिता माना जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्राह्मण इब्राहिम के वंशज हैं। इसके बाद तो वो जमकर ट्रोल हुए, लेकिन ट्रोलिंग के बाद लकी अली ने इस मामले पर माफी भी मांग ली। उन्होंने लिखा कि मेरा इरादा किसी के बीच संकट या गुस्सा पैदा करने का नहीं था और मुझे इसका अफसोस है। अब बाकी की वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।